हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीतीश चंद्रा, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं इस वक्त चंद्रा ट्रिकी जीएस। और आज मैं बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप जानते हैं, रुक्मिणी प्रकाशन भारत की जानी मानी प्रकाशन कंपनी है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पुस्तकें प्रकाशित करने का कार्य करती है। रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा आज ही साइंस की एक बड़ी ही जबरदस्त किताब लाई गई है, और आप देख सकते हैं ये किताब मेरे हाथों में है। ये है सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ, और इस पुस्तक की विशेषताओं पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्यों आपको इस पुस्तक को खरीदना ही चाहिए और पढ़ना ही चाहिए, यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इस पर बात करते हैं। तो आइए इस पुस्तक के खूबियों के बारे में आपको मैं बतला दूं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें 251 प्लस सेट्स दिए गए हैं, और ये सेट्स ऑब्जेक्टिव हैं, यानी वस्तुनिष्ठ हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख भी रहा होगा। और प्रत्येक सेट्स में 25 प्रश्न हैं, और ये प्रश्न बीते परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और एनसीईआरटी के आधार पर, तैयार फैक्ट्स के आधार पर इसके प्रश्नों का संकलन किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को जब आप पढ़ेंगे, जब इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, तो यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वह रेलवे की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, आप देख सकते हैं यहाँ रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट पावर कॉर्पोरेशन की परीक्षा हो, स्टेट पुलिस की परीक्षा हो, सीटेट की परीक्षा हो, स्टेट की हो, बीपीएससी, सीसेट, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी तरह की परीक्षाओं में यह पुस्तक कारगर है। और आपने आज तक साइंस में क्या कुछ पढ़ा है, कितना अध्ययन आपने किया है, आपके इस अध्ययन का आकलन करने के लिए यह जबरदस्त किताब है। और इसमें इसके खूबियों के एक एक खूबियों पर हम बात कर लेते हैं। तो आप देखिए कि इसमें 6450 प्लस सेलेक्टेड MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 6450 यानी 6000, 6500 के करीबन प्रश्न कम नहीं होते हैं दोस्तों, और ये सेलेक्टेड हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, और एनसीईआरटी के तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें फिजिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल, कंप्यूटर केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आप देख सकते हैं साइंस के सभी टॉपिक्स को इसमें कवर किया गया है। और इन टॉपिक्स में 25-25 क्वेश्चंस का जो सेट है, 2500 क्वेश्चन 25 चैप्टर से, अलग अलग चैप्टर से देखने को मिलेंगे। और मजे की बात की इसमें पीरियोडिक टेबल जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर को भी शामिल किया गया है। आप देखे होंगे कि बीते कई परीक्षाओं में पीरियोडिक टेबल से प्रश्न पूछने की टेंडेंसी लगातार बढ़ी है, और अलग अलग प्रकार के कई छोटे छोटे क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए यह अति महत्वपूर्ण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रति 25 क्वेश्चंस का सेट तैयार किया गया, उसमें पीरियोडिक टेबल थ्योरी भी है और ऑब्जेक्टिव सहित है। और 260 हम आगे आपको दिखाएंगे कि इसमें कैसे प्रश्न हैं आपके पीरियोडिक टेबल के, और इसमें थ्योरी भी है पीरियोडिक टेबल का और ऑब्जेक्टिव भी है। इसके अलावा बात करें तो यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कारगर पुस्तक है, ठीक है। और यह पुस्तक शशांक शेखर सर के द्वारा लिखा गया है। शशांक शेखर सर जानते हैं, साइंस के एक अनुभवी टीचर हैं, और पटना के कई शिक्षण संस्थानों में ये पढ़ाते हैं, तो इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। इस और इसके बारे में बात करें तो 6450 से अधिक सेलेक्टेड MCQ हैं, इस पर हम आपको बात कर चुके हैं। इसके अलावा देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसको कहते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, न्यूमेरिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर सेक्शन सहित तमाम चैप्टर्स को, तमाम टॉपिक्स को इसमें समाहित किया गया है। और इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपने अब तक साइंस में क्या कुछ पढ़ा है, आपकी तैयारी साइंस में किस स्तर की हुई है। अगर मेरा यकीन मानिए कि अगर आप इस पुस्तक को ठीक से बना लेते हैं, ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आप आगामी जो भी परीक्षाएं देने जा रहे हैं, चाहे वो दरोगा के हो, शिक्षक की हो, रेलवे की परीक्षा हो, SSC की परीक्षाएं हो, आप सभी परीक्षाओं में साइंस में 100% नंबर उठा पाएंगे। और यह पुस्तक एकदम एरर लेस है, इसमें कोई एरर नहीं है। और इसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि देख लीजिए YouTube पर, रुक्मिणी प्रकाशन YouTube चैनल पर, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर और रुक्मिणी प्रकाशन दोनों चैनल पर
30 नवंबर से देख सकते हैं आप इस पुस्तक पर है। यहाँ भी मैं आपको पुस्तक के माध्यम से भी दिखा दूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि 30 नवंबर से इसका लाइव डिस्कशन, वीडियो लाइव डिस्कशन शुरू किया जाएगा, जो कि शशांक शेखर सर ही 30 नवंबर से प्रतिदिन 4 बजे लाइव जुड़कर आपके समक्ष इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं कहा गया प्रत्येक सेट्स में एनसीईआरटी एवं प्रीवियस ईयर के पूछे गए सभी विषयों को शामिल किया गया है, जो कि हाल के दिनों में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः पूछे जा रहे हैं, अतः किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले अंत में एक बार रिवीजन अवश्य कर लें। यानी रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब आपके लिए है यह। रिवीजन अगर आप इसका कर लेते हैं तो आपको मेरा अगर मुझ पर अगर आप यकीन करते हैं तो यह मान लें, यह आप भरोसा कर लें कि आपका साइंस में प्रश्न नहीं छूटने जा रहा है, क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। अब इसके अन्य पहलुओं की बात कर लें तो इस पुस्तक के अन्य पहलुओं में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आप देख सकते हैं, इसकी विषय सूची आपके सामने है और विषय सूची के जरिए आप इसमें देख सकते हैं कि आवर्त सारणी सबसे पहले इसमें दिया गया है। आवर्त सारणी के नियम, सिद्धांत, विशेषताएं और तत्व के प्रकार, ये क्या है, ये थ्योरी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस, इसमें कुल मिलाकर के 260 प्रश्न केवल और केवल आपके पीरियोडिक टेबल के दिए गए हैं। 260 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल सेक्शन के दिए गए हैं और उसके अलावा पीरियोडिक टेबल का थ्योरी भी है इसमें। उसके बाद देखिए कि सभी विषय का, फिजिक्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोलॉजी, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर का 25 प्रश्नों का सेट है और कुल सेट्स की संख्या आप देख सकते हैं 250 से प्लस है। कुल सेट्स की संख्या 250 से प्लस है, देख सकते हैं 253 सेट्स है। क्या है, 253 सेट्स हैं 25-25 प्रश्नों के और अंत में इसका आंसर की है। और मजे की बात यह है, इसकी अगली विशेषता हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आवर्त सारणी की थ्योरी है, ये आवर्त सारणी की थ्योरी है और ये पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी। इसका नियम सहित सिद्धांतों के साथ एकदम इसको विस्तृत करके लिखा गया है और उसके पश्चात ये आपका थ्योरी है और थ्योरी के पश्चात आप देख सकते हैं कि आपको थ्योरी के पश्चात आपको इसका ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप पीरियोडिक टेबल की तस्वीर भी इसमें दी गई है ताकि आप पीरियोडिक टेबल को देख करके उसके तत्वों के पोजीशंस को आप याद रख पाएं आसानी से और कैटेगराइज वर्ग बाय वर्ग, आवर्त और वर्ग जो कहते हैं, समूह जो कहते हैं, वो सारे के सारे इसमें क्लियर्स किए गए हैं। अल्कली मेटल, अल्कलाइन, अर्थ मेटल वगैरह सारे कैटेगरी वाइज इसमें डिवाइड कर दिए गए हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो देख लीजिए, अब इसी की मैं बात कर रहा था कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं और इसके बारे में हमने आपको क्या बतलाया कि कुल मिलाकर 260 क्वेश्चन केवल और केवल पीरियोडिक टेबल से इसमें हैं। कितने क्वेश्चंस, 260 क्वेश्चन इसमें केवल पीरियोडिक टेबल से हैं। उसके बाद 253 यानी 250 से ज़्यादा 25-25 प्रश्नों का सेट्स है। चलिए आइए कुछ सेट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों यह पुस्तक आपके लिए जरूरी है और किस प्रकार आप इसमें प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। देखिए ये कुछ इस प्रकार आपके सेट्स होंगे, ये आपके सेट्स होंगे जिसके जरिए कि आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए देखिए आपको सबसे बड़े मजे की बात कि इसमें नीचे 25, हर सेट में 25 क्वेश्चंस हैं तो नीचे OMR सेक्शन भी दिया गया है ताकि आप इन 2500 प्रश्नों का अभ्यास इसी पुस्तक में कर सकें। यहाँ प्रश्न पढ़िए और यहाँ आप अपना आंसर कलर करिए और कलर करने के पश्चात जैसे आप सेट बनाते हैं ठीक उसी तरह पीछे आंसर की दिया हुआ वहाँ से पलट करके आप इसका आंसर मिला सकते हैं और आप यह देख सकते हैं कि आपको कितना मार्क्स किस सेट में आ रहा है, उसे आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं और बार बार इस पुस्तक को बनाएं, निश्चित तौर पर आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाली है यह। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे बार कोड दिया हुआ है, हर सेट का डिस्कशन आपको इस यदि आपको इस सेट का डिस्कशन देखना है तो
तो यहाँ आप अगर इस बारकोड को स्कैन करेंगे तो आप इस सेट के डिस्कशन वीडियो पर यूट्यूब पर आप पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप इस बारकोड को स्कैन करके उस सेट का वीडियो डिस्कशन देख सकते हैं। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए सामान्य विज्ञान टेस्ट सीरीज सेट टू है। ये क्या है? सेट टू है, ये सेट टू है, या इसी तरह आपको 253 कुल सेट्स इसमें मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सेट वन है और सेट वन में आपको हर सेट में देख पा रहे हैं आपकी उसी तरह के 25 OMR दिए गए हैं कि आप इन 25 प्रश्न को ठीक से कलर कर पाएँ और यहाँ पे आप अपना मार्क्स दर्ज कर लें आपको जो भी नंबर्स आते हैं। और इस आधार पर आप यह देख सकते हैं कि इतने दिनों में 3-4-5 वर्षों में जितने दिनों से भी आप तैयारी में लगे हुए हैं, साइंस के क्षेत्र में आपकी क्या तैयारी है, साइंस में आपकी कितनी प्रगति होना बाकी है और साइंस में आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, यह इन प्रश्नों के हल करके आप आकलन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले यह आपके लिए एकदम रामबाण होगा और यह प्रश्न आपके लिए आपकी तैयारी के अचूक मंत्र होंगे अगर इन प्रश्नों को आप ठीक से हल कर लेते हैं। और इनके वीडियो डिस्कशंस के साथ इसे आप अगर 100% योगदान देकर के इसे तैयार कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में साइंस के कोई भी प्रश्न छूटने की आशंका 0% आपकी होगी, यानी आपके 100% साइंस के प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कई बार कि जीएस में 100% नहीं हो सकता, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो साइंस ऐसा विषय है कि आप 100 में 100 कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ था और रुक्मिणी प्रकाशन के वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के इस पुस्तक के बारे में जो भी खूबियाँ थी वो हमने आपको बतलाया। और इस पुस्तक में मैंने जो अभी तक देखा है कोई कमी मुझे नज़र नहीं आई है, 100% एररलेस किताब है और इसमें खूब मज़ेदार और बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। अगर आप बनाएंगे इसे आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और इसके लेखक शशांक शेखर सर, रुक्मिणी प्रकाशन और द प्लेटफॉर्म जो पूरे हिंदुस्तान में अपने क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए जानी जाती है, यह आपको इस किताब को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा और आप इस पर खुद बिलीव करेंगे। तो यह किताब आपको कैसा लगा, पढ़िए, खरीदिए, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको इस पुस्तक से संबंधित जो भी सुझाव देने हो वह भी हमें कमेंट के माध्यम से दें। चंद्रा ट्रिकी जीएस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।